नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। आपकी जिंदगी ने आपको गजब का साथ दिया। यह भविष्यवाणी आपके जीवन की दिशा को बदलने के लिए काफी है। आप जानकर रो देंगे कि इतना बड़ा चमत्कार जो इस पल आपके आंगन में आने वाली है। दोस्तों, यह खुशखबरी किसी भी रूप में हो सकती है जो आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए काफी है। किसी रूप में हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं देखने को मिलेंगे, और इन्हीं एक दो समस्याओं का समाधान जब मनुष्य को मिल जाता है तो वह अपने आप को ईश्वर के प्रति भाग्यशाली मानता है। हर किसी की जीत दोस्तों उनकी सफल सोच पर निर्भर करती है। आज से दोस्तों अगले 24 घंटे में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको खुद पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा और अद्भुत बदलाव होगा। दोस्तों हाँ, मन की कुछ दिन पहले आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पर आज से ही आपकी सफलता की गिनती शुरू हो चुकी है। अब आपकी हर कदम सिर्फ आपकी सही कार्य के लिए ही उठाएंगे। भले ही कुछ चीज जो देर से शुरू हुई दोस्तों, पर आपकी जिंदगी आपकी किस्मत आने के लिए काफी है। जो लोग आपसे हर रोज जलते थे, अगले कुछ दिनों में वही लोग आपसे सीख लेने आएंगे। बस आपसे दोस्तों अनुरोध है कि वह जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये बात सही है कि आपने कभी सफलता नहीं देखी है, और आप लोगों को समय समय पर डर डर की टोकरी खानी पड़ती है। दोस्तों इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपके भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने भाग्य का लिखा कभी बदल नहीं सकते। आप अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य में बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं जो अगले 24 घंटे में आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को मिस मत करना दोस्तों, वरना हम आपको गारंटी से कहते हैं कि आप अपने जीवन में कीमती खजाने को मिस कर देंगे। ऐसा ज्ञान रोज रोज नहीं मिलता है दोस्तों। हम गारंटी से कहते हैं कि पूरे YouTube पर कोई आपको इतना सटीक ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान को हासिल करने के लिए और उसे एक वीडियो के रूप में आप सामने लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर इस तरह का वीडियो तैयार होता है। लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, ये रही तक कोई भी नहीं जाना चाहता, बस हवाबाजी की बातें करते हैं और अपना वीडियो पूरा करके निकल जाते हैं। हम आपकी समस्या को जड़ से समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं, तो ऐसे में आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। ये दोस्तों चली आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट में भाव के साथ, पूरी भावनाओं के साथ विदेशी मां काली को याद करते हुए हाथ जोड़कर जय मां काली 3 बार लिख। दोस्तों आपको अपने मन में ही हाथ जोड़ने हैं और माता काली को 3 बार जय मां काली रक्षा करो लिखना है। आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगे। आपके जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ मां की जिम्मेदारी हो जाए। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही कीमती ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों की विशेष सावधानियां के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है। आप विचारों और प्रेरणा से भरे हुए हैं। आपके दिमाग में निरंतर नई योजनाएं आती रहेगी। आप उनके बारे में बहुत आसानी से सोच भी पाएंगे और उन्हें कार्यान्वित भी कर पाएंगे। आपकी एकमात्र समस्या यह रहेगी कि आप अपने दिमाग में लगातार आते रहने वाले विचारों की बाढ़ में उलझे से रहेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को भी और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने प्यार को उचित तरीके से अपने साथी के समक्ष प्रकट करें जो कि आपके दिल में है। आपका साथी आपसे प्यार और ज्ञान की अपेक्षा करता है। जो जुनून और दीवानगी आपके प्यार में से गायब हो गई थी, वह आपके रिश्ते में फिर से अंकुरित होगी।
अपने साथी को अपने प्यार की गहराइयों से अवगत कारण प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्यस्थल पर होने की उम्मीद है। वास्तव में आपके आय अर्जित करने के साधन में परिवर्तन आ सकता है और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिसको आप करना चाह रहे थे, परंतु अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे अधिकारी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आप मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से आपकी शारीरिक सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मानसिक तनाव की वजह से काफी थकान और नहीं लेना चाहते जिससे आपको तनाव हो। इसकी बजाय आज आप बाहर बैठकर धूप या हवा खाना चाहते हैं। आराम से दिन बताएं, खूब पानी पिए और कल सुबह करो। ताजा उठने के लिए पर्याप्त नींद ले। आप किसी भी संबंध के भावनात्मक पक्ष से अधिक जुड़े रहेंगे और इसीलिए यह नहीं समझ पा रहे कि संबंध बहुआयामी होता है। आपको गोल चक्कर में घूमना है जो अपने आप में मजेदार तो है ही, लेकिन चुनौतियों से भारी भी है। आपको किसी ऐसे के करीब आने का मौका मिलेगा जिसकी आप लंबे समय से प्रश्न सके। आप उसके साथ बहुत खुशी महसूस करेंगे। आप आगे बढ़ रहे हैं, वही लोग आपको नीचे खींचने की ओर कोशिश कर सकते हैं। मौखिक विवाद में न फंसे, आप प्रयास करें कि आपका कार्य बोले। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आपको नीचे धकेलना मुश्किल होगा। अच्छा काम करते रहे, अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ सौहार्द बनाएं एवं मधुर वाक्य का प्रयोग करें। आपकी अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने में अपने पूर्वाग्रहों को एडेड ही ना आने दे, इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नहीं, सफलता हिलाई। आप काफी समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी सब नेक इच्छाएं शून्य हो जाती हैं क्योंकि आप बहुत सारी स्वादिष्ट चीजों के लालच में आ जाते हैं। आज वजन कम करने के लिए अपनी डाइट की योजना बनाने और व्यायाम का संकल्प लेने का अच्छा समय है। आप इस काम के लिए विशेषज्ञों की सलाह भी लेने वाले हैं और इस काम में आपका काफी पैसा भी खर्च होगा। आज का दिन तीव्र भावनाओं के नाम रहेगा। रोमांस के नाम पर आपकी मांगे तो पर ही है, लेकिन आपने अपने पार्टनर की भावनाओं की शक्ति और उनकी सहायता को काफी काम करके आता है। अगर आप अपने रिश्ते के हिसाब से अपनी मांगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वह आपके पार्टनर की तुलना में कहीं ज्यादा है। आज के समय का उपयोग अपने संबंध में थोड़े भावनात्मक होने के लिए करें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत है जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर है, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आज आप कुछ उलझे हुए से रहेंगे। आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने के लिए भी उतावले हैं, परंतु आज प्रतीक्षा करना और कोई महत्वपूर्ण काम शुरू न करना ही ठीक होगा। शाम तक उलझन खुद काम हो जाएगी, दिन भादरहित गुजरेगा। यात्रा कर सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन से देर हो सकती है, दूसरे विकल्प खुले रखें। आप पूरे मन से सुंदर और फिट देखना चाहते हैं, हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक पार्टनर की सहायता जरूरी है। एक बार अपनी डाइट की समीक्षा दोबारा कर ले, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिसे अल्लाह का पालन कम और वर्कआउट अधिक करें। आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उनमें से हर एक आपके लिए परफेक्ट पहली नजर के आकर्षण को प्यार कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक कदम पीछे हटे और यह देखने और सोने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बिताएंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। आज आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी यह सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपकी प्राथमिक कार्य करने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपने जीवन सा इल्ली को पटाने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। काफी समय से जिंदगी एक ही धर पर चल रही है, कुछ मजेदार भी नहीं हो रहा।
अपनी नीरज जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या कहीं भी बाहर घूम आए। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर ले ताकि एकाग्रता से कम कर पाए। प्रकृति आपको अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने का एक मौका दे रही है। आपने अभी हाल में ही एक्सरसाइज और अच्छा खाना शुरू तो किया है, पर टुकड़ों में आप इसे पूरी तरह नहीं अपना पा रहे। आज इसे नियमित रूप से अपने का संकल्प लेने के लिए अच्छा दिन है। इसी से आपको अपने मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपने दोस्तों को बोले कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो वह आकर आपका हौसला बढ़ाया, आपको प्रेरित करें। आज आपके साथ काफी मनोरंजक घटनाएं होंगी। आप जिनके साथ यात्रा करेंगे उनके लिए आपका आकर्षण से बचपन मुश्किल होगा। अगर आपके दिमाग में इसे लेकर कोई संदेह आता है कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं, तो अपने फैसले के बारे में एक बार फिर सोच ले। लेकिन अब आप व्यस्त हो गए हैं, आप किसी चीज में शामिल होते भी हैं तो आपको बहुत चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें। यह धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आपकी याद रखिए कि एकता में बाल है, इसलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। आज आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष प्रयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। आप आज आसानी से सब काम करके जीवन के स्कोप को वर्धा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को ना का बैठे जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दे। बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट्स को नया रूप दे सकते हैं। आज आप ऊर्जा से भरे और बिल्कुल तनाव रहित महसूस कर रहे हैं। आप अपने आसपास सबसे अलग दिखेंगे और लोग आपका सकारात्मक और जोश से भरा हुआ व्यवहार खूब नोट करेंगे। सक्रिय दिमाग के साथ साथ आज आपका शरीर भी खूब स्वस्थ है। खेलों से झूठ और एथलीट के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि सफलता की संभावनाएं काफी अधिक है। आज के माहौल में ही प्यार भरा है। अपने पार्टनर के लिए कोई विशेष योजना बनाकर उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं। अगर आप किसी संबंध में हैं तो यह सबसे अच्छा समय है जब आपको अपने संबंध का शुरुआती जादू वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए शायद दोस्तों के साथ वाइल्ड पार्टी की जगह अपने पार्टनर के साथ कुछ एकांत और अंतरंग समय बिताना। जो अकेले हैं उनकी मुलाकात अपने होने वाले साथी से हो सकती है। आज एक नई नौकरी की पेशकश आपके रास्ते में आने की संभावना है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छे अवसर है। आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हो सकता है कि मौजूदा नौकरी में आप संतुष्ट हो, लेकिन नई नौकरी बेजोड़ अवसरों को अपने साथ लाएगा। यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ाने में यह कदम काफी कारगर साबित होगा। आज आप विशेषकर हल्के फूल के मूड में रहेंगे। सब समस्याओं का सामना चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करेंगे। आज किसी विवाद में मैत्रीपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आपकी मौजूदगी से खुशी और रौनक रहेगी और शाम को पार्टी की जान बने रहेंगे। दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। आए दिन के पहले कुछ घंटे का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायाम में करना ना भूले से बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बने रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। आए खाने में अधिक मीठे से बचे। आज आप विशेष रूप से आशावादी और कूटनीतिक महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने परिवार या अपने रिश्ते की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच सकता है और लंबे पेट अच्छी कुछ शिकायत के साथ आ सकता है, लेकिन आप सहानुभूति तरीके से आसानी से इस समस्या को सुलझा लेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आप यात्रा और सामाजिकता से जुड़े व्यवसायों से जुड़े हो सकते हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ी क्योंकि आप महान महत्व के लोगों के साथ बहुत अच्छा जल या संवाद स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान दें। आपके प्रतियोगी आपके करियर में आगे बढ़ाने के लिए एक कड़ी प्रतिस्पर्धा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई काम शुरू करते हैं तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं, औरों के कहने पर नहीं जाते। आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते।
इसीलिए आप उनसे आगे हैं। अपना यह नजरिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मंजिलों पर भी पहुंच सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों के लिए घरेलू नुस्खों से दवा तैयार करने के बारे में दोस्तों के साथ बात करें, उनके भी विचार जानें। आप इस बारे में कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। बदलते मौसम के साथ आसानी से रखी हो जाने वाली अपने चेहरे की त्वचा को सुंदर बनाने के लिए फेस पैक बनाते हुए लेवेंडर तेल या ऑस्ट्रेलिया का प्रयोग करें। आप काफी साहसिक है और यही कारण है कि आपने एक ब्लाइंड डेट का जोखिम लिया है। यह एक बेकार और परेशानी भारी डेट साबित होगी। बारिश के कारण आपको एक ही जगह रखकर रहना होगा। हालांकि जल्दी ही बारिश खत्म भी हो जाएगी और यह आदमी भविष्य में आपसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। शांति रखें, कोई खूबसूरत और आकर्षक आपकी जिंदगी में जल्दी ही आने वाला है। अपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किया है जिसके आप आदि नहीं हैं। आज सतर्कता की अवस्था आपके अंदर रहेगी। आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा और आप अपने बजट को सख्त बनाने और धन संचय पर अधिक जोर देंगे। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा कि आपका धन बर्बाद और खत्म हो जाएगा। आज आप किसी पढ़े सम्मेलन या सेमिनार की मेजबानी कर सकते हैं, लेकिन आपके मनचाहे समय पर स्थान की उपलब्धता के कारण हुई हल्की सी गलतफहमी से आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और आपके कार्यक्रम रद्द करना पड़ सकता है। सकारात्मक कोशिश करते रही होगी। पिछले कुछ समय से आप अपने वजन में बढ़ोतरी महसूस कर रहे हैं। आप इसके बारे में काफी जागरूक भी है, लेकिन आप इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आज आपको इसके बारे में कहीं से कोई डाइट रूटिंग मिल जाए। आप हल्का फुल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। व्यस्त सड़कों पर न घूमें, क्योंकि आपको धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है। मास्क पहनकर चले। आज का दिन बस मस्ती मजे और डिनर के लिए बहुत अच्छा है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको आकर्षित करने के लिए मंत्राएंगे। इनमें से सब अपना स्वार्थी देख रहे हैं। इनमें से एक भी गंभीरता से सोने के लायक नहीं है। पालन की उनमें से कोई एक आपका अच्छा दोस्त बन सकता है, जिसके साथ आप इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर दोस्ती रख सकते हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में हैं, वह अपनी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप खुलकर अपने विचारों को आवाज दें और यह सुनिश्चित रखें कि इस सुना जाएगा। काम का बोझ जो दिन के मध्य में ऊंचा रहेगा, परंतु उम्मीद है कि दिन के अंत तक वह काम होगा। आप अपने एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक बीमा पॉलिसी में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। आप हंसी मजाक के मूड में हैं। अपनी इस विशेषता को बनाए रखें जो आपको मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखती है। आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ति के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में कामयाब होंगे। कोई आपसे प्रोत्साहन चाहता है, उसके मेंटल बन जाए। अपने गरीबों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मछली खाते हुए सावधान रहे, अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें। त्योहारों के इस मौसम में इसकी उपेक्षा आप कर सकते हैं। इस सबसे अच्छा उपाय है, उपयुक्त खाना खाएं और हल्का अभ्यास जरूर करें, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या साइकिल चलाना। दिमाग आपको खाने का पूरा मजा नहीं देने देता। ते हुए और किसी भी बात के बारे में न सोचें। कुछ स्पष्ट तरीके से अपने साथी को बताइए। आपका संचार काफी स्पष्ट रहा है, जिसे प्रेम और रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा की है। आज का दिन सभी गलतफहमी को दूर करने और अपने रिश्ते के जीवन की शक्ति को नवीनीकृत करने के लिए एकदम सही है। अपने साथी से कुछ सीख सकते हैं जो कि पूरी तरह से अनपेक्षित और आपको आश्चर्यचकित करने वाला होगा। आपको अपने किसी करीबी की अच्छी सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रियजन की सेहत के बारे में चिंतित थे, तो आज उसे बारे में भी राहत की खबर मिलेगी। आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, आज आपको उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। प्यार आपके तन और मां पर हावी है। असल में प्यार हर जगह है, सिर्फ आपको अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत रहना होगा। कम संभल संभल कर रखें और अपने मित्रों से सलाह लेने में ना हिचकी। आपको बहुत सारे विकल्प नजर आएंगे, पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बच्चे आपका शांत स्वभाव सबको आपकी ओर आकर्षित करता है। आपके चरित्र पर हल्की से पहली सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बस आप ऐसे ही रहे। आपकी लंबित कई प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें आपको आज आसानी से पूरा करने के लिए समय मिलेगा। हालांकि आप अपने आप को बेचैन और सावधान और सुस्त महसूस करेंगे। परिणाम के रूप में आपका कार्य लंबित होता जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। इसलिए एक दिन की छुट्टी ले और आराम करें। यह काफी हद तक आपके तनाव को दूर करने में मदद करेगा। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहे।
निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाई। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को कोई नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसे ऑनलाइन ग्रुप में रुचि रख सकते हैं जो आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आप उनको ज्वाइन भी करेंगे। आप अच्छा खाना खाने की सोचेंगे, लेकिन इसके बारे में अधिक न सोचें, क्योंकि आप जब कठिन शारीरिक मेहनत वाला काम करके कैलोरीज खर्च कर लेते हैं तब तक चिंता की कोई भी बात नहीं है। दिन के अंत में सारा काम खत्म करके आराम की योजना बनाएं। आज का दिन कई चीजों को ग्रहण करने का दिन है। इस तरह से आप बेफालतू के झगड़े से बच जाएंगे, परंतु कभी कभी आपको बोलने की भी आवश्यकता है। अगर आपके साथी का दृष्टिकोण और व्यवहार आपको परेशान कर रहा है तो अपने साथी से इस मुद्दे पर वार्तालाप करें। इन बातों से आप बेहतरीन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको अपने मूल्यों और सिद्धांतों के कारण जाना जाता है।